नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। नागरिक आपूर्ति विभाग की साठगांठ से जहां खाद्यान्न वितरण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहीं सड़े गले अनाज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हुए अच्छा अनाज व्यापारियों को बेचा जाता है। इसके मामले कई बार सामने आ चुके हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग का घोटाला किसी से छिपा नहीं है। ताजा मामला रीवा जिले के नागरिक आपूर्ति अधिकारी का है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैसा लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। सामने बैठा अधिकारी कोई और नहीं बल्कि अतीत श्रीवास्तव है, जो पहले भी विवादों में रहे हैं। नॉन अधिकारी का पैसा लेते वीडियो वायरल होने के बाद अब उधारी के पैसे लौटाने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि पैसा देने वाला व्यक्ति खराब चावल को गोदाम में रखने के एवज में पहली किस्त 10,000 दे रहा है। हालांकि उक्त वीडियो का विराट 24 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जाता है कि खराब अनाज को गोदाम में रखवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई। आइए आपको सुनाते हैं उक्त वीडियो में जो आवाज है, उसको सुनकर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है। हालांकि अधिकारी कहते सुने जा रहे हैं कि हमारा तो फिक्स रेट है, हम आज तक इससे नीचे नहीं आए हैं। तो मिल का मालिक कहता है कि हमारे खातिर कम कर लीजिए। उक्त चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि जो माल गड़बड़ रहता है, उसको छिपाने के लिए इस तरह की घूस ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। अगर तुम पूछे अगर जाओ